This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are discussing something very, very, very important. Whenever you create a sentence, you normally come up with four things: subject, verb, object, and adverb, as we discussed yesterday. हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट आती है और कल के सेशन में आपको ये बात समझ आ गई कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। हाँ, ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन हमने जब पर्दा हटाया तो हमें पर्दे के पीछे एक सब्जेक्ट बैठा हुआ नजर आया और वो सब्जेक्ट था यू, सेकेंड पर्सन। तो हमें हकीकत का अंदाजा हुआ कि दैट वी कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, इवन विदाउट अ वर्ब यू कैन नेवर थिंक ऑफ एनी सेंटेंस, बट यू कैन ड्रॉप ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन वर्ब के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते। जब आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वेन एवर यू क्रिएट एनी सेंटेंस, Whenever you write any sentence, उस sentence के अंदर कम से कम एक verb तो आपको इस्तेमाल करना ही होता है। आज से fluency का जो वादा किया है वो वफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी spoken classes को join करेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारी class जो है वो हमारी grammar class से link होती जा रही है, और जितना हमारा link strong होगा, याद रखिएगा, आपको उतना मजा आएगा ग्रामर प्लस स्पोकन क्लासेस के अंदर। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। व्हेनेवर यू राइट अ सेंटेंस, एक वर्ब तो जरूरी है। अब आप यहां पर देखिए कि आपके पास एक वर्ब आया, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। इस वर्ब को जब मैं पढ़ रहा हूं तो सबसे पहला डिफरेंस आपके जहन में कौन सा जनरेट हो रहा है? अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। सबसे पहली बात आपके जहन में कौन सी एक्टिव हो रही है कि सर यहां पर ये हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड राइट्स एंड पास्ट, प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर आप में से कोई इस वक्त जाग रहा है और मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है क्लास के अंदर तो हैंड रेस कर ले। अगर मैं प्रेजेंट बोलूं तो क्या आप पास्ट कर देंगे? पक्की बात है। सोनिया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। सोनिया आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। ही राइट्स, ही रोट, बच्चा है, खेलने दीजिए, हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। मरियम शेख, लेट हिम प्ले, यू कीप लिसनिंग। मरियम शेख, आर यू देयर? यस सर। आई ड्रिंक, आई ड्रंक, I drank, मैं याद करवाऊंगा, forms of verbs याद करानी है मैंने, tension ही ले। I drink, I drank, I drank, I drank, I see, I saw, I saw, I write, I wrote, I break, I broke, I fight, I fought, I drive, I drove, I teach, I taught, I understand, I understood। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक स्पोकन क्लास के अंदर एक्टिविटी दे दी जाए और आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारे वर्ब्स लगा दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि प्रेजेंट है, इसको पास्ट कर दें, तो क्या आपके लिए कोई परेशानी का सबब बनेगा? इट्स दे ऑल आर वेरी सिंपल। अच्छा, अच्छा आप देखिए, यहीं से वो फ्लुएंसी का ये वही रास्ता है जो आपको फ्लुएंसी की तरफ लेकर जाएगा। फ्लुएंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम देयर,
लेकिन साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी एक्यूरेसी पे भी काम करें कि आप प्रेजेंट और पास्ट की तमीज सीख जाएं। तो अपनी स्पोकन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है ना? मैनेज योर स्पोकन क्लासेस इन द मॉर्निंग और एट नाइट। अच्छा, अब देखें, अली इज, अली वॉज। ये अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो एक और डिफरेंस है जिसका आपको एहसास नहीं होगा, वो है एक्शन और स्टेट। स्टेट वर्ब्स का चैप्टर वी विल डिस्कस जस्ट आफ्टर ईद उल अज़हा। वी विल हैव अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन स्टेट वर्ब्स, तो मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन लिखना, पढ़ना, जागना, पढ़ाना, गाना गाना, आना जाना, खेलना, ये सब एक्शन है। लेकिन स्टेट क्या है? तो स्टेट को कुछ लोगों ने, बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो अंग्रेजी के नहीं उर्दू के, तो वो लोग कहते हैं स्टेट से मुराद है होना, स्टेट से मुराद है हालत। अगर मैं कहूं कि मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, ये मेरी हालत है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये मेरी हालत है। आई एम एट होम, ये मेरी हालत है। आई एम इल, ये मेरी हालत है। आई एम गुड एट इंग्लिश, ये मेरी हालत है। तो हालत के ऊपर हम बहुत तफसीली बात करेंगे। फिर आप देखें, सना एंड सारा आर गुड फ्रेंड्स, दोबारा स्टेटिव सेंटेंस आ गए। हम जब हमारे पास सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो पहली जिम्मेदारी उस वर्ब की है टाइम, दूसरी जिम्मेदारी मुझे नजर आती है एक्शन और स्टेट, और तीसरी जिम्मेदारी जो है वो है सिचुएशन। सिचुएशन से क्या मुराद है सर आपकी? सिचुएशन से मुराद है, आपको बचपन में से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो अभी आप देखिएगा जब ऑक्सिलरी वर्ब आपकी जिंदगी में आएगा, नाउ ऑक्सिलरी वर्ब हैज आल्सो जॉइंड अस। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? देर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स, पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं देर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, इस तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पढ़े लिखे जो हैं लोग वो ये कहते हैं देर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी और हैव, और हमेशा रूट फॉर्म को फॉलो किया करें, डू, बी एंड हैव, देर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स। सर व्हाई डू वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। अगर ऑक्सिलरी वर्ब आपके सेंटेंस में आ जाता है, इसका मतलब है अब आपके सेंटेंस में दो वर्ब्स आ रहे हैं, सो नाउ जिम्मेदारियां विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ऑक्सिलरी वर्ब को जिम्मेदारी दे दी है उनकी सासू माँ ने कि बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है टाइम, आप सिर्फ टाइम की बात करेंगे। तो अब जब भी आप देखें, गौर से देखें, डज इट रेन हेयर और डिड इट रेन हेयर, दोनों में डिफरेंस टाइम का कैसे पता चल रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब्स, गौर से देखें, डज इट रेन, डिड इट रेन, डू यू नो, डिड यू नो। आप ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करते हैं तो आपका प्रेजेंट और पास्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। सर हसीब इज टीचिंग, सर हसीब वॉज टीचिंग, प्रेजेंट और पास्ट का पता कैसे चल रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब से। जो ये लैंग्वेज का मैं आपको यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं, जो भी सेंटेंस में पहला वर्ब होता है वो टाइम की बात करता है। देखो, इज टीचिंग, वॉज टीचिंग, पहले वर्ब ने टाइम की बात की है। वी आर नॉट डिस्टर्बिंग हर, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग हर, वी आर नॉट, वी वर नॉट, आर और वर, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम। एम आई लाइंग, वॉज आई लाइंग, पहला वर्ब आपको बता रहा है, पहला वर्ब क्या है? एम और वॉज, प्रेजेंट और पास्ट। वी हैव ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, Have बता रहा है प्रेजेंट की बात हो रही है। Has she gone? Has बता रहा है प्रेजेंट की बात हो रही है। Had she gone home when you reached? Had बता रहा है पास्ट की बात हो रही है। और साथ में आपको एक और चीज नजर आ रही है, सिंपल सिचुएशन में देखें, गौर से देखें, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रोग्रेसिव में गौर से देखिए वर्ब ing आती है, परफेक्ट में गौर से देखिए आपके पास थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स टेक डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आफ्टर देम। और सबसे लास्ट सेंटेंस देखिए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपको नजर आ रहा है, हैव और हैड प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बीन प्लस वर्ब आईएनजी परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं। आइए और डिटेल में चलते हैं इसकी।
ये आपके सामने आ गई है आपकी फॉर्मेशंस। ये दो फॉर्मेशंस हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, आपके पास सेंटेंस में एक वर्ब, उसकी जिम्मेदारियां दो। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट, और तीसरी जिम्मेदारी आगे देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल। ये जो फॉर्मेशन है ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपको नजर आएगी, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे शी टीचेस और शी टॉट। अगर आपने नेगेटिव क्रिएट करना किया उसका, तो फिर आपके पास दूसरी फॉर्मेशन जन्म ले लेती है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अभी बताया है कि हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, गौर से देखें, तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने हैं, डू बी और हैव। देखिए गौर से, डू बी और हैव, हर ऑक्सिलरी वर्ब की अपनी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट की बात करते हैं। तो देखिए डू डज एंड डिड, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको ये भी नहीं आता कि डू डज। अच्छा सर, ये डू डज क्या होता है सर, हमने नहीं सुने कभी। डिड क्या होता है सर, ये पास्ट की बात करता है। अच्छा हमें नहीं पता था, तो वो फिर चला जाए बेटा, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज वर पास्ट की बात करता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। हैव हैज प्रेजेंट की बात करता है, हैड पास्ट की बात करता है। अगर ये भी नहीं पता तो बेटा फिर आपकी दाल नहीं गलेगी यहाँ पर, ठीक है। बी आपका, अगर बी इज एम आर वॉज वर तो प्रेजेंट और पास्ट में चले गए, सर बी क्या करेगा, बी फ्यूचर में चला जाता है, विल बी प्लस वर्ब आई एन जी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और ये जो बीन लगता है, ये बीन बेसिकली कहाँ लगता है, बीन प्लस वर्ब आई एन जी, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो जब भी इसको हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाते हैं। वापस आ जाइए ऊपर, डू डज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी डज नॉट कम ऑन टाइम, शी डिडंट कम ऑन टाइम। अगर आपको कोई कहे कि इसका प्रेजेंट कर दो, इसका पास्ट कर दो, तो आप ऐसा कर देंगे, मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए, शी राइट्स अ लेटर, इसका नेगेटिव कर दीजिए, इसका क्वेश्चन बना दीजिए, आप बना देंगे, शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, ये असाइनमेंट बना लेंगे, पक्की बात है। मैं सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का असाइनमेंट दूंगा, फ्यूचर मुझे नहीं चाहिए। शी राइट्स अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, She wrote a letter, she didn't write a letter, did she write a letter? मैं एक sentence लिखूं इसी तरह से, आप छह sentences बना देंगे, खेलें, खेला शुरू करें। सारा drives, अब इसका आप negative बनाएंगे, इसका question hand raise कीजिएगा ताकि मछली बाजार ना बने। सारा drives, इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन, इसका पास्ट, उसका क्वेश्चन, उसका नेगेटिव। यस रोमेसा, सारा ड्राइव वेरी गुड। नेक्स्ट मैरून निसा, सर हसीब टीचर्स, सर हसीब टीचेस, सर हसीब डजंट टीच, डज सर हसीब टीच, सर हसीब टॉट, सर हसीब डिड नॉट टीच, डिड सर हसीब टीच, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 जोहा, यस सर, ही रन्स, He doesn't run. Does he run? He ran. He didn't run. Did he run? Very good. Next, Karima. It rains. It rains. It doesn't rain. Does it rain? Past. It did rain. It did not rain. Did it rain? It rained. Rain के साथ जब हम लगाएंगे ना अपना, rain के साथ क्या लगाएंगे, second form, तो वो past में चला जाएगा, ठीक है ना। It rained. It did not rain.
did it rain. अगर मैं आपको कोई भी सेंटेंस दूं तो क्या तमाम स्टूडेंट्स इस तरह से उसको 6 सेंटेंसेस में क्रिएट कर देंगे कोई बगैर किसी परेशानी है? यस सर। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया, मैं ये चाहता हूँ कि अब आप इसको प्रोग्रेसिव में भी लेके जाएं। पहले आप 6 सिंपल के बनाइएगा, फिर 6 प्रोग्रेसिव के बनाइएगा। तो अब आपका सेंटेंस है सबा सबा आपका सेंटेंस है शी राइट्स। पहले सिंपल के 3 बनाइए, फिर पास्ट सिंपल के 3 बनाइए, फिर प्रोग्रेसिव में आइएगा। शी राइट्स सबा। She doesn't write. Does she write? She roars. Did she roars? She did not roar. ये कौन सी फॉर्म है? She roars. Wrote. She wrote. हाँ, she wrote उसका नेगेटिव। She did not wrote. Did not के बाद कौन सी फॉर्म आती है? Right. सही है। आगे Does she write? Did she write? आप प्रोग्रेसिव में आ जाए। आ जाइए। She is writing. She is writing. She is not writing. Is she writing? Past. She was writing. She was not writing. Was she writing? आ गई बात समझ में। नेक्स्ट सालेहा, रेडी? नॉट यस सर। ही अब्यूजेस, अब्यूजेस मींस गाली देना। ही अब्यूजेस, ही इज नॉट अब्यूजेस। अस्तगफुर, ही अब्यूजेस का नेगेटिव कैसे बनेगा? प्रेजेंट सिंपल ऊपर फॉलो कीजिए, मैंने आपके लिए लिखा है जबी। ही इज नॉट अब्यूजेस। अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रही है, प्रेजेंट सिंपल अभी। अच्छा नहीं नहीं ही डजंट अब्यूज अब्यूजेस। अच्छा वो सर मैं नीचे डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ही फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब्यूज, ही डज नॉट अब्यूज। ही डजंट अब्यूज, डज ही अब्यूज, एंड ही अब्यूज की सर सेकंड फॉर्म टी लगा दे। ही अब्यूज्ड, ही अब्यूज्ड, ही डिडंट अब्यूज, डिड ही अब्यूज, ही इज अब्यूजिंग, ही इज नॉट अब्यूजिंग, एंड इज ही अब्यूजिंग, एंड He was abusing. He was not abusing. And was he abusing? माशा, पहुंच गई आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई। यस फातिमा अर्शद। यस सर। इट ब्रेक्स ये टूट जाता है। सर मुझे वर्ड की समझ नहीं आ रही। ब्रेक बेटा तोड़ना। ब्रेक ब्रेक्स इट डजंट ब्रेक। अंडा टूटता है ना। डू यू ब्रेक एन एग? BREAK ब्रेक। मैम सर दोबारा स्पेलिंग बोलिएगा। आई विल ब्रेक योर लेग्स। ओ ब्रेक, ओके। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर घर से निकले तो। याद है आपकी ओके चल। यस सर। ही ब्रेक्स, इट ही ब्रेक्स, डजंट ब्रेक। इट ब्रेक्स, इट ओके ब्रेक्स, इट ब्रेक्स, इट ब्रेक्स, इट डजंट ब्रेक, डज इट ब्रेक, एंड ब्रोक, या इट ब्रोक, इट डिडंट ब्रोक, डिड इट, इट डिडंट ब्रेक। ओ सॉरी, इट डिडंट ब्रेक, डिड इट ब्रेक, It is breaking. Is not breaking. Is it breaking? It was breaking. It wasn't breaking. Was it breaking?
अच्छा, अब क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, फिर इत्तेफाक 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 के हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होता है। तो अब हमने लिखा सारा हैज बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि सारा कई अरसे से गाड़ी चला रही। सारा हैज नॉट बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझ आ रही है बात, यानी कि फॉर्मेशन क्लियर हो रही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम याद आ रहे हैं, बचपन की बातें याद आ रही है। मैं कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बचपन के फॉर्मूले हैं जो हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हुए आए। Has she been driving? Has she been driving for a long time? आ गया सब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। अब इसी को हम कहाँ ले जाते हैं, इसी को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो सिर्फ हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ये वाला हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और ये वाला भी हैज हैड हो जाएगा। कितने सेंटेंसेस क्रिएट कर दिए हमने प्रोग्रेसिव के, हमने पहले तीन क्रिएट किए, फिर तीन, उसके बाद तीन, उसके बाद फिर तीन, यानी कि छह छह 12 सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के क्रिएट कर दिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप गौर से देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए ताकि आप हर्रा बना सकें, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा लिखने के लिए। ठीक है भाई, देखें प्रोग्रेसिव के तीन आ गए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, पास्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट सर परफेक्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट रह गया है बेटा, आ रहे परफेक्ट पे जा रहे, परफेक्ट कर अभी जा रहे, वही जा रहे, जी जा रहे। डोंट टेक टेंशन। सर। जैसे हमने कहा कि पहला वर्ब जो है वो टाइम की बात करता है, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में अगर हैव हैज या हैड लग रहा है तो वो टाइम के साथ आपको वो भी बताएगा कि ये परफेक्ट है या मतलब पहला, सिचुएशन भी। अब देखें हैज ने तो बता दिया जो उसे बताना था, और हैड ने के प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आपके इन सेंटेंसेस के लिए आपको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये जाके फिट हो जाए। अब आप यहाँ पर देखें, हैज ने अपना काम कर दिया, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो ड्राइविंग है ये बात कर रहा है प्रोग्रेसिव की। वर्ब आईएनजी हम जब भी इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करता है। ठीक है, और जब हम बीन इस्तेमाल करते हैं तो ये परफेक्ट सिचुएशन की बात करता है। तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सबको अपना अपना काम दिया हुआ है गोरे ने कि भाई आप ये काम करेंगे। नेगेटिव के लिए नॉट लगा देते हैं आप लोग, क्वेश्चन में लिए हैस शुरू में आ जाते तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब आखिर में आपके पास रह गया है परफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि आपको इसके ऊपर असाइनमेंट लिखना होगा तो आपके पास ये जुमले होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सारा ड्राइव, सारा डजंट ड्राइव, डज सारा ड्राइव, सारा ड्रोव, सारा डिडंट ड्राइव, डिड सारा ड्राइव, सारा इज ड्राइविंग, सारा इज नॉट ड्राइविंग, इज सारा ड्राइविंग, सारा वाज ड्राइविंग, सारा वाज नॉट ड्राइविंग, वाज सारा ड्राइविंग, राइट। सारा हैज बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सारा हैज नॉट बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज सारा बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सारा हैड बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सारा हैड नॉट बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैड सारा बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी आपके पास सेंटेंस आ जाए और आपसे कहा जाए जरा इसको कितने सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दो, प्रेजेंट के 12 पास्ट के 12, तो कर देंगे आप लोग। शी राइट, शी डजंट राइट, डज शी राइट, she is writing, she is not writing, is she writing, she has written, she has not written, has she written, she has been writing, she has not been writing, has she been writing, ho gaye present ke 12 simple progressive perfect perfect progressive. isi tarah se past simple ke 12, she wrote, she did not write, did she write, she was writing, she was not writing, was she writing, she had written, she had not written, had she written, she had been writing, she had not been writing, had she been writing, past ke 12. ये 24 मसाले वाले गोलगप्पे आप लोग खाने हैं। आज रात सोने से पहले आपको ये 24 फॉर्मेशंस याद होनी चाहिए। अगर ये 24 फॉर्मेशंस आपकी जिंदगी में आ गई तो बेटा ये वही ट्रैक्स हैं जिसके ऊपर अंग्रेजी चलती है। आप लोगों के ये ट्रैक उड़े हुए हैं बीच बीच में से, तो ये ट्रैक्स आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परफेक्ट देखिएगा, परफेक्ट जी बेटा,
सर ये हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बनाने हैं। मैं भी आपको फिर बता दूंगा, मैं भी अपनी आखिरी बात कर लूं, फिर मैं आपके लिए फिर कुछ लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, और आसान कर दूंगा। आखिरी बात देखिए, जब आप परफेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं, जब आप परफेक्ट सिचुएशन में जाते हैं, आपके पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आखिरी बात को मैं यूं सम अप कर रहा हूं, ये देखिएगा, मैं इसको भी, इसको मैं यहां से थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूं। देखिएगा, हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, डू, बी और हैव। हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद वर्ब की एक मुख्तलिफ फॉर्म लेता है। देखें, डू, डज और डिड ने फर्स्ट फॉर्म ली, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन ने वर्ब आईएनजी ली, हैव, हैज और हैड ने अपने बाद थर्ड फॉर्म ली। अच्छा, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। आप जब भी अपनी जिंदगी में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो याद रखें, ये सिंपल सिचुएशन की बात करेगी। जब भी आप अपनी जिंदगी में वर्ब आईएनजी लगाएंगे, ये 100% प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात करेगी। जब भी थर्ड फॉर्म आपके पास आएगी, ये हमेशा परफेक्ट सिचुएशन की बात करेगी। ये बात आप अपने जहन में, दिमाग में और दिल जाए बैठाना, इसको बिठा लीजिए। और जब भी आप वर्ब आईएनजी इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले लाजमी तौर पर कौन आएगा? बी। इसके बगैर आप वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो बी किस में बदल जाता है? इस्तेमाल अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो किस में बदल जाएगा? और अगर आपने परफेक्ट सिचुएशन की बात करी तो ये बदल जाएगा बीन में। बीन बीन तो ये बन जाता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वरना अगर आप बीन को हटा दें तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी, वाज, वर प्लस वर्ब आईएनजी। इसी तरह से जब आप हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं तो हैव और हैज बना देता है प्रेजेंट और आगे परफेक्ट। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट सिचुएशन को शो करती है और हैड बात करता है पास्ट की, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जब डू डस की बात करेंगे, ये बात करता है प्रेजेंट की, और जब डिड लगाएंगे तो ये बात करता है पास्ट की, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब मैंने आपसे ख्वाहिश अपनी, एक मैंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे 24 सेंटेंसेस चाहिए। वो 24 सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो ये है आपके सामने। मैं ऊपर से इनको भी ले आता हूँ ताकि सब एक लाइन में खड़े हो जाएं, और आप इनकी सेल्फी ले लीजिएगा अपने साथ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब देखें, सारा ड्राइव्स, ठीक है, मैं इसको नीचे, सेंटेंसेस को नीचे कर देता हूँ ताकि वो और अच्छा। सारा ड्राइव्स, सारा डजन ड्राइव, डस सारा ड्राइव। अच्छा, फिर मेरी ख्वाहिश है कि आप प्रोग्रेसिव ले आइए, पहले प्रेजेंट के लोगों को ले आइए। सारा इज ड्राइविंग, सारा इज नॉट ड्राइविंग, इज सारा ड्राइविंग, ठीक है। उसके बाद आप ले आइए प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट हाजिर हो, लिखा ही नहीं अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लिखेंगे हाँ सारा हैज ड्रिवन, ठीक है। हैज उसके बाद इसका नेगेटिव, सारा हैज नॉट नॉट ड्राइविंग ड्रिवन, 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 सारा हैज नॉट ड्रिवन। उसके बाद क्वेश्चन, सारा हैज सारा ड्राइविंग ड्रिवन। अब हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो ये आ गया प्रेजेंट, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, सारा हैज बीन सारा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पास्ट सिंपल ले आइए, सारा ड्रोव, नॉन सारा डिड नॉट ड्राइव, डिड सारा ड्राइव। फिर पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया, सारा वॉज ड्राइविंग, सारा वॉज नॉट ड्राइविंग, वॉज सारा ड्राइविंग। फिर मुझे चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो सारा पास्ट हेड सारा सारा वॉज सारा हेड हैड, सारा हैड, ड्रिवन सारा हैड ड्रिवन। उसका नेगेटिव, सारा हैड हेड नॉट ड्रिवन। नॉट ड्रिवन और क्वेश्चन, हेड और क्वेश्चन, हेड सारा ड्रिवन
हैड सारा ड्रिवन, ये लीजिए। अब हैज की जगह पर आपने क्या कर देना है, सिर्फ हैड, और यहाँ पर भी हैड और यहाँ पर भी हैड। मुबारक हो, आपके सारे फॉर्मूले आ गए। आइए इनको एक शक्ल का कर देते हैं। आप ताकि आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे इसी पैटर्न के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और 10 दिन तक। अच्छा मैं देखो जिस तरह से गाइड किया करूँ ना वैसे काम करना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई भला है तुम्हारा। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस असाइनमेंट इन 5 डेज। मैं चाहता हूँ कि आप इसको 5 दिन में लिखें और रोजाना एक असाइनमेंट लिखें। कैसे लिखना है सर, अभी आपको गाइड कर रहे हैं। अभी आप देखें आपके पास कितने सेंटेंसेस आ जाएंगे, 24 सेंटेंसेस आ जाने चाहिए। ये हो गए 12 प्रेजेंट के, अब आपके पास पास्ट के आएंगे 12। ये वो बचपन की बातें जो हम शायद अपने उम्र की वजह से भूल चुके हैं, या फिर हमने स्कूल लाइफ में पढ़े थे लेकिन आउट ऑफ टच होने की वजह से दिमाग से निकल गई थी, सर ने रिफ्रेश कर दी सारी बातें। अब आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, पहले प्रेजेंट का ले लीजिए, ये लीजिए, ताकि आपकी आंखों को दिखता रहे। इसी सीक्वेंस में मुझे चाहिए, अब इसका ले लीजिए। सारा ड्रोव, सारा डिड नॉट ड्राइव, डिड सारा ड्राइव, सारा वाज ड्राइविंग। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया और 5 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू राइट ऑन फॉर 5 डेज, भले से आप जल्दी कर लें, आई डोंट माइंड, बट आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू टू स्पेंड 5 डेज। वाई सर, जब आप रोज लिखेंगे ना तो आपको इसका फायदा होगा। मैंने पहला सेंटेंस आपको दिया, इट रेन्स हियर। अब मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। अच्छा कोशिश कीजिएगा मोबाइल फोन पे टाइप करें, तो मैं गलती निकालना मेरे लिए आसान होती है। आप कॉपी पे टाइप करके तस्वीर खींच के आप मुझे भेज सकते हैं। इट रेन्स हेयर, उसके बाद दे कम लेट, उसके बाद शी कॉल्स मी, उसके बाद वी स्पीक इंग्लिश, और आखिरी आई 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 प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट यू, अब इसके पीछे बहुत साइंस मैंने इस्तेमाल की है, ही वी दे आई और इट का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स लगते हैं। जैसे इट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा। तो अब आप रोजाना रोजाना एक सेंटेंस उठाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, और 03170296209 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा जब आपका दिल चाहे। लेकिन 5 दिन के अंदर, ईद से पहले पहले आप इसको कर लीजिएगा, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर हो गई यहाँ तक सबको बात? कोई बच्ची अभी एक सवाल कर रही थी, उसका जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसे, क्या क्या जो पूछ रही थी वो? ठीक है चले आगे, यस सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आपकी जिंदगी के अंदर एक और चीज कदम रख रही है। आपको याद है मैंने कल आपके सेशन के अंदर आपको कुछ एडवर्ब्स याद करवाए थे? मैंने कहा था इन एडवर्ब्स को याद कर लीजिए, ये एडवर्ब्स मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर आते हैं, याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा यस था मैं एक सर, असाइनमेंट दूंगा आपको, एक तो ये जी रिटन सर, असाइनमेंट है जो आप लोग खुद से करेंगे। मैंने कहा इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। कल भी आप लोगों ने नोट किया था अपने पास कि कौन से एडवर्ब्स कौन से टेंस में आते हैं। अगर ये बात आपको समझ आ गई है कि कौन से एडवर्ब्स कौन से टेंस में आते हैं, तो आज आपके साथ एक एक्सरसाइज जाएगी विद आंसर शीट्स। मैं आपको हमेशा एक्सरसाइजेस देता हूँ, ये देखिए। आप मुझे अब मुझे बताइएगा, शी रीड दैट बुक, आपको आगे एडवर्ब नजर आ रहे हैं जो आपको यस बता सर, रहे हैं यस कौन से टेंस में जाएगा? तो अब बताओ यहाँ पर मैं इसको कौन से टेंस में लेके जाऊंगा? पास्ट पास्ट सिंपल, सिंपल। शी रेड दैट बुक यस्टरडे। वी नॉट ईट प्रॉन्स, वी नॉट
ईट प्रॉन्स। ईट वी अब मैंने बिफोर याद करवाया, मैं टेंस बता देता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। चलो लेकर जाओ, यस सर वी हैव नॉट ईटन प्रॉन्स बिफोर। यानी याद करना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा था याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन सा एडवर्ब कौन से टेंस में लगता है। वी हैव नॉट ईटन प्रॉन्स बिफोर, हमने पहले कभी भी ना झींगे नहीं खाए। बड़ी यस बात, सर सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट। लगाओ पेन। वी हैव बीन टू पेरिस। दे हैव बीन टू पेरिस सेवरल टाइम्स। ही स्टडी फॉर द एग्जाम राइट नाउ, ये तो तुम्हें पता होगा कहाँ जाएगा। बनाओ। प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ही इज स्टडिंग फॉर द ही इज एग्जाम स्टडिंग फॉर द एग्जाम राइट नाउ। आई जस्ट नाउ। फिनिश माई होमवर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क। ये एक्सरसाइज आपके लिए मसला नहीं होगी अगर आपको याद हो जाए कौन सा सेंटेंस कौन सा एडवर्ब कौन से टेंस में लगता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा। मैंने कुछ बच्चों के लिए जो बहुत कमजोर हैं, जो अपने आप को कमजोर मानते हैं, लेकिन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अभी आपको फॉर्मेशंस क्लियर करने में, लेकिन फिर भी मैंने लिख कर दे दी है प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन विद डब्ल्यू एच वर्ड, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल भी लिख कर दिया है फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर परफेक्ट तक। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने असाइनमेंट मैंने आपको उसके लिए नए सेंटेंसेस दे दिए। ठीक है, गॉट इट। चले अब आ जाए आपकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा। ये आपकी जिंदगी की पहली तस्वीर थी जो अभी आपने देखी है, अब आप तीसरी फॉर्मेशन देख रहे हैं जो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लोगों ने जिंदगी में नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना, पहली दफा सुन रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने अल्लाह की कसम पहली मर्तबा अपनी लैंग्वेज क्लास में ये वर्ड सुना था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई लिसन वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लैंग्वेज क्लास। नो बडी टॉट मी इन माई स्कूल लाइफ, नो बडी टॉट मी इन माई कॉलेज लाइफ। वैसे हम जब कॉलेज लाइफ में आए थे हम पर टीचर बन गए थे, तो हमें तो कोई इंग्लिश थमकी नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते थे। तो अब आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये पहली फॉर्मेशन है, और इसकी दूसरी फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ताजा ताजा है ऑक्सिलरी वर्ब, जरा नीचे देखिएगा। मुझे पहचानो मैं कौन हूं, बताओ। बी इज एम आर वॉज ने बी कौन है, इज एम आर वॉज वर्ड तो है कौन बी। सर ऑक्सिलरी वर्ड ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ड हैव कौन है, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी। अच्छा, अगर ऑक्सिलरी तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद क्या बी के बाद वर्ब आई एन जी आ रही है, वर्ड यस वेरिफिकेशन। सर अगर ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब है तो वेरीफाई करो इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। हाँ भाई, यस अगर यस ये हैव बीन भी अपने आप को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं तो इसके बाद क्या वर्ब आई एन जी आ रही है। यस सर इसका मतलब मॉडल वर्ब्स के अंदर भी सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव जैसी सिचुएशंस हमें मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ठीक है, और हमें किस तरह से हमने पहचाना, मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। सर ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें याद है, बी प्लस हैव प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा ऊपर आइए, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स की एक शर्त है, याद रखना इस शर्त को, मैं अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता हूं। मॉडल वर्ब कह रहा है आपसे मेरे बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। सर नीचे कीजिएगा, देखें मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो अलग बात है बी के बाद वर्ब आई एन जी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी और हैव की अपनी भी शराइत है ना, कि बी कहता है मेरे बाद वर्ब आई एन जी, हैव कहता है मेरे बाद थर्ड फॉर्म, हैव बीन कहता है मेरे बाद वर्ब आई एन जी, लेकिन मॉडल वर्ब क्या कहता है, मॉडल वर्ब कहता है मेरे बाद फर्स्ट फॉर्म। तो आपने बी लगा दी, हैव लगा दिया और हैव बीन लगा दी। अच्छा, अब इस शर्त के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, कभी ये हैव हैज में कन्वर्ट होगा मॉडल वर्ब की इस शर्त के बाद, कि मेरे बाद नो हमें सर फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आप नहीं मॉडल वर्ब के बाद हैज नो लगा सर सकते हैं, जैसे ही शुड हैज। नो सर क्या हम कभी ये कह सकते हैं
ही शुड हैज बीन, नो सर. नहीं कह सकते। यानी कि अगर हमें बातें समझ आ रही हैं तो बातें हमें इस तरह से समझ आ रही हैं कि हमारे पास मॉडल्स की सिर्फ और सिर्फ चार फॉर्मेशन है। ही शी शुड, शुड मॉडल क्या कह रहे हैं, मेरे बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, शी शुड राइट अ लेटर। क्या मैं इसके बाद कहीं एस और ईएस लगा सकता हूं? कोई एस और ईएस का कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब्स में नहीं होता, शी शुड राइट अ लेटर। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है, मैं इसको शुड को मे कर देता हूँ, शी मे राइट अ लेटर, वो शायद खत लिखती है। अब भी राइट्स नहीं कर सकता, मॉडल के बाद कभी एस और ईएस फॉर्म नहीं आ सकती। क्या मैं इसको पास्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं मे रोट लिख दूंगा, शी मे रोट अ लेटर? नहीं सर, ऐसा आप नो करेंगे सर. तो फिर मॉडल 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 की दूसरी फॉर्मेशन, अगर आप प्रोग्रेसिव में जा रहे हैं, शी मे बी राइटिंग अ लेटर। आप मॉडल की तीसरी फॉर्मेशन, शी मे हैव रिटन अ लेटर, ये रोट रिटन रिटन थर्ड फॉर्म। लेटर. याद कराऊंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आप टेंशन नहीं ले। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर। बस ये चार फॉर्मेशंस हैं मॉडल वर्ब्स की। अगर ये मॉडल वर्ब्स की चार फॉर्मेशंस आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये अब बताओ, इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सी सिचुएशन की बात करेगा? प्रोग्रेसिव इसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो कौन सी सिचुएशन होगी? प्रोग्रेसिव सिचुएशन. इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है तो कौन सी सिचुएशन है? इसमें परफेक्ट परफेक्ट बीन प्लस वर्ब आईएनजी आ रही है तो ये कौन सी सिचुएशन है? परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव. अच्छा, अब यहां से थोड़ी सी गड़बड़ शुरू होगी। गड़बड़, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। टाइम की बात कौन करेगा? सर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, वर्ब टाइम की बात कैसे पता? शी मे राइट अ लेटर मान लिया, सिंपल है, प्रेजेंट है या पास्ट है, कौन बताएगा इस सेंटेंस मैं में? कौन? मैं तो सर चारों में मैं खड़ा हुआ है, मैं के पास तो ये राइट्स ही नहीं है। बी बताएगा और हैव यानी फर्स्ट वर्ब बी और हैव तो एक्सिलरी वर्ब बताएंगे टाइम का. अच्छा, टाइम बताना मुझे फॉर्म मे बी बताएंगे. राइटिंग यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आपको क्या बता रहे, जरा बताइए, आपके कान में बता रहा होगा, मुझे भी बता दें प्लीज 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 प्लीज। क्या बता रहे हैं मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या बता रहा है आपको? बी का कौन? ऑक्सिलरी वर्ब टाइम के बारे में बताते हैं ना. हाँ तो बहन बताइए ना, शी मे बी राइटिंग यहाँ पर कौन से टाइम के बारे में बता रहे हैं आपको? यहाँ तो नहीं है. अब हम जानना चाहती है ना, प्रेजेंट सेंस। प्रेजेंट बस यहां पर आके गोट फंस जाती है बच्चों की। हाय अल्लाह, प्रेजेंट है. मैं तो बेटा सब में लिखा हुआ है, मैं सब में मैं लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म बताएगी. ये आपको सर बताएंगे ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। आइए, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, शी मे राइट अ लेटर, ये फॉर्मेशन जब मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। याद रहेगा, मॉडल के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। जब हम मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब आईएनजी लगाते हैं तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। तो सर इनका पास्ट क्या होगा? ये रहा पास्ट। अगर आपको पास्ट की बात करनी है तो नीचे ये आपको पास्ट मिल गया। सर ये कैसे बात हो गई? मतलब अभी तो आपने इसको परफेक्ट लिखा था, अब आपने इसको पास्ट कर दिया, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ये इसकी पहली बात है। सेकंड ये इसकी नहीं, शी मे हैव रिटन अ लेटर, शी मे राइट अ लेटर का पास्ट क्या होगा बताओ? देखो सेंटेंस, शी मे राइट अ लेटर, इसका पास्ट लेकर आओ, शी मे राइट अ लेटर, इसका पास्ट तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये चार सेंटेंस ही सारा गेम करेंगे। बस शी मे शी हैव मे रिटन अ हैव रिटन, रिटन अ लेटर. शी मे हैव रिटन, ये मे हैज नहीं हो सकता, ये मे हैड नहीं हो सकता, शी मे बी राइट सर अ लेटर, इसका पास्ट लेकर आओ। She may have been written writing a letter. बस बस, अब लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है,
सर आपने तूफान आ गया, सुनामी आ गया दीपा के माइक पे। अब सवाल ये उठ रहा है सर जी, देखिए ये बात समझ आ गई, लेकिन वो परफेक्ट कहाँ गया? ले लीजिए, अब आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सेंटेंस है, ये परफेक्ट की भी बात करेगा और ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव की भी बात करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर लेकिन टाइम का अंदाजा कैसे लगाएंगे? सोचने वाली बात है बच्चे की, बच्चा सवाल सही कर रहा है। सर आप ठीक है, मतलब आप सारे सेंटेंसेस नीचे कर दें सर, समझ हम एक साथ देखना चाहते हैं। देखें शी मे राइट अ लेटर, चले मान ली आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर है कि वह फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आपने कहा पास्ट है तो चले मान लिया, लेकिन ये परफेक्ट है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? बहुत अच्छा सवाल है। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर और आगे लगा दिया फॉर अ लॉन्ग फॉर 2 years, शायद वो 2 साल से खत लिख रही है। अब लेटर अ लेटर को लेटर्स कर देते ज्यादा अच्छा सेंस होने, शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, शायद वो 2 साल से खत लिख रही है। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? याद रखें याद रखें याद रखें, आप जब भी मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को लिखते हैं, जैसे शी मे है शी इज फ्री राइट नाउ, आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट की बात करता हुआ नजर आ रहा है? यस सर। तो अब बताइए ये कौन सी मीनिंग देगा? अब आप देखें दोनों सेंटेंसेस को देखें, दोनों सेंटेंसेस से जो पहले एक सेंटेंस आएगा वो आपको बताएगा कि ये कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट की या पास्ट की। ये मॉडल वर्ब्स के अंदर फ्री राइट नाउ आपने पहचान लिया सर, प्रेजेंट, आगे प्रेजेंट परफेक्ट की मीनिंग्स मिल रही है, शायद वो खत लिख चुकी है, वो इस वक्त फ्री है, फारिग है। शी वॉज आउटसाइड व्हेन आई कॉल्ड, वो बाहर थी जब मैंने उसे फोन किया, शायद वो खत लिख चुकी थी। पास्ट परफेक्ट की मीनिंग्स आपको दे रहा है, फ्यूचर परफेक्ट हम बनाते नहीं है। इसी तरह से लिखा हुआ है शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, अब इससे पहले कोई ना कोई एक सेंटेंस आप ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं, शी लाइक्स हिम वेरी मच। अब मुझे बताइए आगे जो सेंटेंस लिखा है वो आपको क्या मीनिंग दे रहा है? शायद वो शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स हिम फॉर 2 years, शायद वो उसको 2 साल से खत लिख रही है। अब यहां देखें, शी गॉट मैरिड टू अली लास्ट मंथ, पिछले हफ्ते उसकी अली के साथ शादी हो गई, मुबारक। शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू हिम फॉर 2 years, और शायद वो 2 साल से उसको खत लिख रही थी। ऐसा भी कोई होता है पागल, व्हाट्सएप का दौर है भाई, लेटर लिखने की जरूरत है? अब आपको पता चल रहा है कि पहला सेंटेंस आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे में आइडेंटिफाई करेगा, ये मॉडल वर्ब्स के अंदर क्वालिटी है कि मॉडल वर्ब्स हर सिचुएशन की बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ही हम टेंसेस पढ़ाते हैं और टेंसेस जब पढ़ा देते हैं उसके साथ फिर आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ठीक है? आप एक और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये मैंने बहुत मेहनत से लिखे थे किसी दौर में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये देखें तमाम स्टूडेंट्स तवज्जा के साथ, अली टीचेस इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ाता है। अगर मैं मॉडल में कहूं तो देखो कैसे कहूंगा, अली मे टीच इंग्लिश, क्या मतलब? सिर्फ शायद भाई को लगा दो, अली 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 शायद इंग्लिश पढ़ाता है। बस ये अली टॉट इंग्लिश, मतलब पास्ट सिंपल में चला गया, अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी। अब मॉडल में ले जाओ, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली ने इंग्लिश शायद पढ़ाई थी, शायद पढ़ा भाई को, चुका है। शायद भाई को ले आओ ना, अली ने हाँ, इंग्लिश अली पढ़ाई शायद इंग्लिश पढ़ा थी। चुका है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उर्दू शायद अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी। ये चीज अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी, अली टॉट इंग्लिश, अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली इज टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा है। सिर्फ शायद भाई लगा दो बीच में नीचे, अली शायद इंग्लिश पढ़ा शायद रहा है। अली इंग्लिश पढ़ा रहा है। ये चीज मेरे अजीज, अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा था। शायद भाई को लगा, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था। मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा था। अली विल टीच इंग्लिश, अली इंग्लिश हाँ, पढ़ाएगा। इंग्लिश पढ़ाएगा। सर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछे शायद भाई कौन है, सर अली अली मे हैव टॉट क्यों लिखा है, हमने टीच क्यों नहीं लिखा? मे हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, हैव के बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। ओके सर। अली मे टीच इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ाएगा, अली विल बी टीचिंग इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा रहा होगा फ्यूचर, अगले साल अली इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, अली मे बी टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, अली शायद अगले साल इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, अली हैज टॉट इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा चुका है, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ा चुका है, अली हैड टॉट इंग्लिश, क्या मतलब? अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी। अली हैड टॉट इंग्लिश पढ़ा चुका था, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश पढ़ा चुका तो ये तो ऊपर था। वाले के जैसा ही है, पास्ट सिंपल के जैसा। ऊपर भी ये लिखा है अली मे हैव टॉट अच्छा इंग्लिश, वो पास्ट सिंपल है, और ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? फिर दोनों एक जैसे हैं। बस यही तो खूबसूरती है मॉडल्स के अंदर, कि फॉर्मेशन तो चार ही है ना, उन्हीं चार फॉर्मेशंस को घुमाएगा मॉडल्स के अंदर, इसके अलावा कोई फॉर्मेशन नहीं है। जब भी मैंने आपको सिचुएशन के साथ लिख कर दिया है कि किस सिचुएशन में मॉडल सेम रहता है, तो आपने देखा अली टॉट इंग्लिश, अली मे हैव टॉट इंग्लिश, मैंने ग्रीन ग्रीन किया हुआ है, देखें अली मे हैव टॉट इंग्लिश, ग्रीन ग्रीन देखें अली मे हैव टॉट इंग्लिश, पिंक पिंक देखें अली मे हैव बीन टीचिंग, अली मे हैव बीन टीचिंग, लाइट ब्लू देखें अली मे बी टीचिंग, अली मे बी टीचिंग। सर ये तो सेम सेम चल रहा है, सेम सेम चल रहा है, मैंने आपसे लेकिन क्या कहा है कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो आपको बताता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, या ये फ्यूचर है। आप देख रहे हैं, मैं हर सेंटेंस के अंदर आपको जब भी लिख कर दे दिया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फारिग वक्त में बैठ के इसको पढ़िएगा, जब आगे चलेंगे तो आपको बहुत कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, अपना बहुत ख्याल Got रखिएगा। it. I got it, sir. But please, last सर slide की दूसरा मुझे टेबल शुरू कर स्क्रीनशॉट दूं, लेनी है. स्क्रीनशॉट ये लीजिए स्क्रीनशॉट वन, Sir, last slide. अब आपकी लास्ट, हमारी हमारी फर्स्ट है, सेकंड स्लाइड, ये तो जो मैंने अभी लिखा है वो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक थैंक यू. यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।